अत्यंत दुखर कथा वेस्ट बेंगल रे जो घटी डॉक्टर ममिता देवनाथ कर जो भाया हत्या आउ बलात्कार कर भारत स्वाधीन हो नाम मात्र किंतु आम समाज आज स्वाधीन हो पारिना बहुत दुख लगुच जो भाया हत्या करी ए भाया जो आम समाज रे जो रक्षा राक्षस माने अच्छा आज आम बहुत माने विनम्र सहित हृदय सहित मन पकाउछि कहीं से जो भाया कष्ट आज आम राजगामपुर महिला संगठन तरफ रु आज छोटो गोटे कैंडल मार्च करिछु जहाँ आत्मार आत्मा को स्वर्गत तापर मु गोटे कथा कहबी मु सरकार को भी कहबी जो भाया आजिका समय रे महिला माने सुरक्षित होकर रास्ता कल पार किंतु जो भाया आम महिला माने जदि ये रास्त जापरें आम कमे आशा करूँ सरकार को अनुरोध करुचु आहा कार्यानुष्ठान करूँ और यथाशीघ्र उपरे रिपोर्ट को तदंत करी छाची दंड दिखा राजगामपुर पौर परिषद पौर आज दुखर विषय निश्चित भाव आम महिला मैंने असुरक्षित अनुभव करमती डाक्टर ममिता देवनाथ बलात्कार एवं हत्या होती समस्त महिला समाज पर आम स्तब्ध हो सत आम देश स्वाधीन होती किंतु आम महिला मैंने कह कि नारी मैंने आम असुरक्षित अच्छे मुोध कर सरकार को निश्चित भाव जी यही बर्बर हत्याकांड कर किसी दंड दि जाऊ कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ एवं जो डॉक्टर ममिता देवनाथ हत्या आज सर्वास आम समस्त देखो आम मैंने सब स्लोगान दौ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहीकि किंतु जो उच्च शिक्षित डॉक्टर गोटे उच्च शिक्षित महिला डॉक्टर ममिता देवनाथ को आज बलात्कार करी बहुत बर्बरता सहित मृत्यु करागला तो आम आज तर आत्मार सदगति गोटे कैंडल मार्च बाहर करूँ आउ सरकार पाखे आमर गोटे दाबी अच्छी जे एपरी बर्बर कांड करी से दोषी को दंड दि जाऊ यहाँ ही गोटे उचित न्याय हे गोटे मृत व्यक्ति को आम जीवित करना किंतु न्याय दे से लोक को दंड दे हिं गोटे न्याय दि जापर आ मु भगवान पाखे प्रार्थना करी परिवारवर्ग को साहस दिंतु आने दिगरे आग को बढ़ी पारंतु एतिक ही मोर भगवान निकट में प्रार्थना आ सरकार को एतिक ही मोर गुहारी से ही दोषी को गोटे उचित दंड दि जाऊ मैं श्वेता कुमारी वार्ड नंबर 3 काउंसलर हमारी डॉक्टर जो जिनकी निर्मम हत्या की गई है ये आज बहुत ही दुख का विषय है। एक औरत जिसमें कि सारी शक्तियाँ निहित होती हैं वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने की शक्ति रखती है और जो एक डॉक्टर जिसको कि भगवान का दर्जा दिया जाए उनके साथ इतनी निर्मम गंदी हरकत हुई और उनकी हत्या कर दी गई तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शोचनीय और बहुत बड़ी विडम्बना है। तो मैं अपने सरकार से ये दरख्वास्त करूँगी कि जो भी दोषी है उनको कठिन से कठिन सजा दी जाए और CBI जांच की भी मैं सरकार से मांग करूँगी।